Hello dear children, so now we will start part 3rd of our chapter, the Valley of Flowers. अभी तक आपने Valley of Flowers मतलब फूलों की घाटी कहाँ पर located है वो देखा, उसके बाद आपने देखे different तरह के flowers, देखे उनके shapes, देखे और उनके structure के बारे में, flower के structure के बारे में आपने देखा previous videos में और उनके uses, तो हम उनके uses पढ़ रहे थे, तो हम चलिए उसके आगे के कुछ और uses जो बचे हैं वो देखते हैं. Other uses, हमने क्या क्या uses देख चुके हैं कि they are eaten means they are edible, edible है, color बनाने के लिए, perfume बनाने के लिए, इत्र बनाने के लिए, scent बनाने के लिए, dye, कपड़ों को dye करने के लिए, ठीक है, और medicines के रूप में इस्तेमाल होते हैं. और हम अब कुछ और चीजें देखते हैं, कुछ और चीज. Have you ever read or heard any songs about flowers? Let us sing this song. अच्छी मालन मेरे बनने का बनाला सहरा, बागे जन्नत गई मालन मेरी फूलों के लिए, फूल ना मिले तो कलियों का बना ले सहरा. Good gardener, make for my banna a garland of flowers. Banna means bridegroom, okay? Gardener मतलब माली means वही gardener. Make a garland of garland मतलब माला या सहरा of flowers. She went looking for flowers in the garden in the heaven. Make a garland of flower birds if there are no flowers. मतलब ये एक तरह का गाना है, एक तरह का गीत है और देख ऐसा जो है ये folk song है. और ये फोक सॉन्ग जनरली कब गाया जाता है, जब शादी वगैरह होती है घर पे या कोई फंक्शन. अब हम इसके बारे में देखते हैं. डू यू नो व्हेन सच सॉन्ग्स आर सांग? सच सॉन्ग्स आर सांग ड्यूरिंग वेडिंग. वेडिंग मतलब शादी के समय, क्योंकि बन्ना लिखा हुआ है तो मतलब कि शादी के समय ये गाने गाए जाते हैं. डू यू और एनीबडी एल्स एट होम नो अदर सच सॉन्ग? क्या आपको या आपके घर में किसी को इस तरीके के गाने आते हैं? यस, माई ग्रैंड मदर नोस मेनी सच सॉन्ग. जो घर में बूढ़ी दादी माँ होती है तो उनको ये गाने आते हैं, तो मेरी ग्रैंड मादर को भी आते हैं. ऐसे ही आपको कुछ और कलेक्ट करने हैं सॉन्ग और अपनी क्लास में सुनाने. आर एनी स्पेशल फ्लावर्स यूज्ड ऑन सर्टेन ओकेजन फेस्टिवल बाय आवर एल्डर्स? मेक अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट ओकेजंस एंड फ्लावर्स यूज्ड एट इट. आपको वैसे ही ओकेजन और फ्लावर्स के बारे में लिखना है. जैसे दिवाली, दिवाली में आप मेरी गोल्ड के फ्लावर्स यूज करते हैं. फ्रेंडशिप डे पिंक रोज यूज किया जाता है. लक्ष्मी पूजा मीन्स वही दिवाली लोटस यूज किया जाता है. बीहू उसमें कोपाऊ, मतलब ये स्पेशली फूल हैं जो वहां पर यूज किए जाते हैं. ऐसे और भी बहुत ओकेजन हैं, आप लिख सकते हैं इसके में. ये दिस क्वेश्चंस कैन बी आंसर्ड बाय योर ओन. ऑफ कोर्स इफ देयर आर सो मेनी यूजेस ऑफ फ्लावर देन वी नीड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स. फ्लावर्स आर ग्रोन इन मेनी प्लेसेस. इमेजिन फील्ड फुल ऑफ फ्लावर्स एक्सटेंडिंग फॉर माइल्स टुगेदर, हाउ ब्यूटीफुल. तो फ्लावर्स जो है इनके बहुत सारे यूजेस हैं, इसलिए फ्लावर्स जो है हमको ज्यादा से ज्यादा क्या करने चाहिए, ग्रो करने चाहिए. और आप सोच सकते हैं कि अगर बहुत सारा आप आंख बंद करके अगर सोचिए कि आपके पास एक सामने एक पूरा ग्राउंड है जिसमें ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैं, तो ये सीन आपको क्या करेगा, आपको आंखों को बहुत अच्छा लगेगा. लेट अस नो सम मोर. हैव यू एवर सीन एनीवन सेलिंग फ्लावर्स एनीवेयर? क्या आपने किसी को फ्लावर सेल करते देखा है? इफ देयर आर एनी फ्लावर सेलर नियर बाय आस्क देम दीस क्वेश्चंस एंड राइट. तो फ्लावर सेलर्स, आपने इस तरीके के फ्लावर सेलर्स देखे होंगे जो फ्लावर बेचते हैं, तो अगर आपने इस तरीके के कोई फ्लावर सेलर देखे हैं तो आपको इनसे कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं. What are the different flowers that they sell? कौन से फ्लावर्स हैं जो वो बेचते हैं? Ask them the name of three flowers. उनसे किसी तीन फ्लावर्स के नाम पूछें. तो आपको वैसे भी दिख रहा है, रोज दिख रहा है, मैरीगोल्ड दिख रहा है, और ये व्हाइट कलर का जो है मुझे लगता है जैस्मिन है. तो रोज, मैरीगोल्ड एंड जैस्मिन, यही फ्लावर्स जो है वो जनरली ज्यादा बिकते हैं. Where do they bring these flowers from? अब उनसे हमको पूछना है कि आप ये फ्लावर्स कहाँ से लाते हैं. They bring these flowers from gardens or horticulture. Gardens तो आपको पता है बगीचे होते हैं इनके, और हॉर्टिकल्चर फार्म्स, जैसे कि हम अनाज खाते हैं तो अनाज के लिए फार्म्स होते हैं जिसमें कि अनाज को बोया जाता है. ऐसे हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर मतलब होता है फूलों को उगाना. फूलों को किस लिए उगाना, मतलब सेलिंग पर्पज से. आप अपने शौक से आप घर में उगा लेते हैं, दैट इज नॉट द हॉर्टिकल्चर. हॉर्टिकल्चर मतलब पर्पसली फॉर इकोनॉमिकल सपोर्ट, मतलब एक पैसा कमाने के लिए उससे उसको जब उगाया जाता है और उसकी पूरी केयर की जाती है और बहुत ज्यादा अमाउंट में जब फ्लावर्स को उगाया जाता है, वो हॉर्टिकल्चर फार्म्स होते हैं. उस टेक्निक को हॉर्टिकल्चर बोलते हैं और वो जो फार्म्स होते हैं उनको हॉर्टिकल्चर बोलते हैं. तो वहां से वो फ्लावर्स को लाते हैं. व्हाई डू पीपल बाय फ्लावर्स? लोग क्यों फ्लावर्स बाय करते हैं? पीपल बाय फ्लावर्स फॉर डिफरेंट पर्पसेस लाइक फॉर डेकोरेशन, टू वर्शिप गॉड और टू गिफ्ट टू अदर. या तो डेकोरेशन करना होता है शादियों में, या पूजा होती है घर पे, कोई ओकेजन होता है स्पेशल तब, या टू वर्शिप गॉड, भगवान को चढ़ाने के लिए भी हम क्या करते हैं, भगवान को चढ़ाने के लिए भी फूलों को इस्तेमाल करते हैं, उनकी गार्लैंड बनाते हैं, माला बनाते हैं, लूज फ्लावर्स उनके ऊपर चढ़ाते हैं. टू गिफ्ट अदर, किसी को गिफ्ट करने के लिए कभी हम बुके बनाते हैं, फ्लावर्स देते हैं, तो इन सारे पर्पज के लिए हम जो है वो फ्लावर्स खरीदते हैं.
In what forms do flower sellers sell their flowers? Look at these picture. आपके pictures देखनी है कि किस किस तरीके से बेचते हैं. तो आप देखिए, सबसे पहला जो है इस तरीके के लंबे लंबे strands होते हैं flowers के, जो कि decoration purpose के लिए use होते हैं. मतलब घरों के बाहर ऐसे इस तरह के strands को लगाकर घरों को सजाया जाता है, उनको strands बोलते हैं. इस तरह के बुके होते हैं, बुके मतलब कि फ्लावर्स के गुच्छे होते हैं अलग अलग, और उनको दिया जाता है गिफ्ट के लिए. इस तरीके के लूज पेटल्स होते हैं. लूज पेटल्स मतलब खुला हुआ पत्तियां होती है, फूल होते हैं, लूज पेटल्स होते हैं, जिनको कि जब जैसे आपने देखा होगा कभी किसी के स्वागत के लिए उसके ऊपर अगर डालना है तो उसके लिए लूज पेटल्स यूज किए जाते हैं. गार्लैंड मतलब माला, ये आपने देखा होगा इस तरीके के माला बनाए जाते हैं और ये भगवान को चढ़ाया जाता है, या शादी विवाह में भी इस तरह के गार्लैंड्स यूज होते हैं. रंगोली के लिए, फ्लावर से रंगोली बनाने के लिए भी यूज किया जाता है. एंड फॉर मेकिंग गजरा, गजरा इस तरीके का गजरा बनाया, लंबा गजरा, या इस तरीके का जूड़े के ऊपर लगाने के लिए गजरा भी बनाया जाता है. तो ये सारे जो है वो फ्लावर्स के यूजेस हैं. एनी अदर फॉर्म दैट यू हैव सीन, और कोई फॉर्म? तो हाँ, सेलर ऑल्सो सेल फ्लावर्स इन द फॉर्म ऑफ गजरा, गजरा के रूप में भी, मतलब लंबे लंबे स्ट्रैंड जो बालों में लगाए जाते हैं. हैव यू सीन फ्लावर्स ऑफर्ड एट मेनी रिलीजियस प्लेसेस? क्या आपने कभी फूलों को देखा है भगवान की जगह पर धार्मिक स्थलों पर चढ़ाते हुए? तो यस, आई हैव सीन फ्लावर्स ऑफर्ड एट मेनी रिलीजियस. हाँ, हर जगह हम देखते हैं कि भगवान को फूल चढ़ाए जाते हैं. व्हाट डू वी डू व्हेन दे ड्राई अप? जब वो सूख जाते हैं तब हम उनका क्या करते हैं? ड्राइड फ्लावर्स आर यूजुअली थ्रोन अवे एज वेस्ट. हम क्या करते हैं, जब फूल हम घर पे भी अगर भगवान को चढ़ाते हैं, अगर वो फूल सूख जाते हैं तो हम उनको क्या करते हैं, वेस्ट के जैसे फेंक देते हैं. हाउ विल यू यूज देम? अब आप इनको कैसे यूज कर सकते हैं? ड्राइड फ्लावर्स को हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं? इनको हम जनरली, कोई और काम तो इनका होता नहीं है, तो हम जनरली इसको वेस्ट के जैसे इसको क्या कर सकते हैं, हम फेंकते ही हैं, मतलब इसका और कोई काम हमारे लिए नहीं होता है. सम फ्लावर्स आर यूज इन डिफरेंट फॉर्म्स, लाइक रोज एंड मैरीगोल्ड्स आर यूज इन गार्लैंड्स एंड एज लूज पेटल्स टू. हमने देख लिया. फाइंड आउट द प्राइस ऑफ दीज डिफरेंट फॉर्म. अब इनके हमको प्राइस करना है. जैसे अगर एक फ्लावर है तो कितने का होगा वो? 10 रुपीज का. एक गार्लैंड, गार्लैंड मतलब माला, माला कितने में होगा? ये 20 रुपए का. बुके, बुके मतलब कि क्या हो गया? बुके मतलब कि गुच्छा जो किसी को देते हैं, गुलदस्ता. तो वो गुलदस्ता जो है वो कितने का हो गया? लगभग 50 रुपीज. ठीक है. हैज द फ्लावर सेलर लर्नड टू मेक बुके और अ नेट ऑफ फ्लावर्स फ्रॉम एनीबडी, फ्रॉम हुम? आपने क्या, जो फ्लावर सेलर्स हैं उन्होंने किसी से बुके बनाना या फ्लावर के नेट बनाना सीखा है क्या? तो किससे सीखा है? यस, He has learned to make bouquet or net of flowers from his father. कहाँ से सीखा होगा बुके बनाना? या तो अपने फादर से सीखा होगा, जिनसे उन्होंने सीखा है, मतलब या मदर से सीखा होगा, तो वो बुके और नेट ऑफ फ्लावर्स बनाना सीखा है. Would they like the other members of their family to do this work? Why? क्या वो पसंद करेंगे कि उनके फैमिली के मेंबर भी ये काम करें? तो yes, they would like the other members of their family to do this work to make some extra money. और हाँ, वो ये पसंद करेंगे ताकि क्या हो जाए, एक्स्ट्रा अर्निंग हो सके. एक्स्ट्रा अर्निंग हो सके मतलब एक्स्ट्रा पैसे का. तो घर के सारे लोग मिलकर क्या करते हैं, ये फ्लावर के बुके और डेट जो है वो बनाते हैं, गार्लैंड्स बनाते हैं. अभी एक एक्टिविटी है जो आप लोग कर सकते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है. कलेक्ट फ्लावर्स दैट हैव फॉलन फ्रॉम ट्रीज ऑफ प्लांट्स एंड ब्रिंग देम टू द क्लास. जो फूल गिर गए हैं उनको आपको उठाकर लाना है. स्प्रेड दीज फ्लावर्स नीटली बिटवीन द शीट्स ऑफ एन ओल्ड न्यूज़पेपर. पुराने जो न्यूज़पेपर है उनके बीच में इन फ्लावर्स को आराम से एकदम साफ सफाई के साथ रख देना है. मेक श्योर दैट फ्लावर्स डू नॉट टच ईच अदर. और हर फ्लावर को ऐसा नहीं कि एक फ्लावर एक को टच कर रहा है, एक को टच कर रहा है, फ्लावर जो है एक दूसरे को टच नहीं करने चाहिए. नाउ पुट अ हैवी ऑब्जेक्ट ऑन द न्यूज़पेपर. अब उस के ऊपर कोई आपको एक भारी चीज रख देगी. लीव इट प्रेस्ड फॉर 10 to 15 days एट वन प्लेस. और एक जगह पर उसको प्रेस करके 10 से 15 दिन के लिए रख देना है. आफ्टर दिस टेक आउट ऑल द फ्लावर्स वेरी केयरफुली एंड प्रिपेयर अ स्क्रैप बुक. अब इन फ्लावर्स को आप 10-15 दिन के बाद निकालिए, तो ये सूख चुके होंगे, ड्राई हो चुके होंगे, और फिर इनसे आप स्क्रैप बुक बना सकते हैं, फिर उसमें नाम भी लिख सकते हैं. यू कैन टेक यूज नोटबुक और ओल्ड न्यूज़पेपर फॉर दिस. आप इन ओल्ड न्यूज़पेपर भी कर सकते हैं, आपकी कोई पुरानी नोटबुक हो तो आप उसके अंदर भी इसको रखकर प्रेशर करके, मतलब प्रेस्ड करके हम फ्लावर्स को ड्राई कर सकते हैं. यू कैन ऑल्सो यूज दिस ड्राइड फ्लावर टू मेक प्रिटी कार्ड्स. आप कार्ड भी बना सकते हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ. देखिए, इस तरीके से पुरानी बुक के अंदर इन फ्लावर्स को सुखा लिया गया, सूख गए, और फिर देखिए किस तरीके से उनसे जो है सुंदर सुंदर कार्ड्स बनाए गए. ठीक है, तो आप ये भी काम कर सकते हैं. आप फ्लावर्स को सुखाइए, उनसे कार्ड बनाइए, वॉल हैंगिंग्स बनाइए, और एक बार जब ये ड्राई हो जाते हैं तो ड्राई हो जाने के बाद इनसे सारा मॉइस्चर निकल गया तो देखिए ये कितना सुंदर लग रहा है. इसके बाद है ड्रॉ फ्लावर ऑफ योर चॉइस एंड राइट इट्स नेम. आप यहाँ पर कोई अपने चॉइस का फ्लावर बनाइए और उसका नाम लिखिए. द
दिस इज ऑल अबाउट द वैल्यू ऑफ फ्लावर्स. आपने देखा फ्लावर्स किस प्रकार से, फ्लावर्स के क्या क्या यूज हैं, और हम फ्लावर्स को अलग अलग तरह के शेप्स देखा हमने फ्लावर्स के, और देखा कि फ्लावर्स जो है वो कहाँ कहाँ पर उगते हैं. तो अब हमारा जो ये चैप्टर है वैल्यू ऑफ फ्लावर, ये खत्म होता है. तो थैंक यू चिल्ड्रन फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट चैप्टर. गॉड ब्लेस यू ऑल.